माँ बेटा खाना खाया? हाँ खा लिया माँ। काम के लिए मुंबई गए हो, ठीक है, हफ्ते में एक बार तो आ सकता है ना? थोड़ा काम में बिजी हूँ माँ, अगले हफ्ते जरूर आऊंगा। कितने दिन हो गए तुम्हें देख के, अपने माँ बाप से मिलने का मन नहीं कर रहा है क्या? ठीक है माँ, जल्दी आऊंगा। सुनिए जी, बात कीजिए। कौन है? सूर्या, आपका बेटा। कोई बात नहीं, फिर बात कर लूंगा। बात कीजिए ना। क्या हुआ माँ, पापा हैं? हाँ। मुझसे बात नहीं करना चाहते? ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मैं रखता हूँ। अपने बेटे से थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, बात कर लूंगा। तेरी माँ का साकिना का। तुझे साकिना का क्यों जाना है? मुझे अच्छी तरह मालूम है बलबीर पाशा। वो सब छोड़ बे, तू इतना पतला कैसे हो गया? तो क्या करूं यार, स्कूल में एक भी ढंग का टीचर है ही नहीं। किस टीचर की बात कर रहा है बे? वो जो इंग्लिश वाली टीचर है ना, वो समझ में नहीं आता यहाँ ग्रामर पढ़ाने आती है या ग्लैमर पढ़ाने के लिए। उसके ब्लाउज का पीछे वाला जो छेद है ना, वो मेरे घर की खिड़की से भी बड़ा दिखता है। तो बाकी के टीचर? वो बदतमीज हिंदी का टीचर, वो आधा पागल केमिस्ट्री का टीचर, और दिमाग का दे इतिहास का टीचर। पूरा स्कूल ही वेस्ट है क्या? ए झिंगुर, मुंह का ढक्कन बनकर, स्कूल कैसे वेस्ट हो सकता है? कुल मिलाकर 16 एकड़ है, उसमें बिल्डिंग 2 एकड़ है, बाकी का 14 एकड़ जो है उसे अलग करके बिल्डर को बेच देंगे, फिर हम दोनों को 6-6 करोड़ मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से भागकर अंडमान निकोबार चले जाएंगे, वहाँ खुद का आइलैंड खरीदेंगे। बिता सकते हैं, मौज मस्ती की जिंदगी बिता सकते हैं। अब हमें स्कूल की रेपुटेशन की बहुत चिंता है, इसलिए सीरियसली डिस्कस कर रहे थे सर। तू जो हम सब की बुराइयां कर रहा था ना इस माइक के जरिए, हम सब सुन रहे थे। हम सब बहरे लगते हैं? ये ऑन लगता है, साफ करते समय ऑन हो गया होगा। अबे खुसट लंगड़े गधे, मेरे कंधे पर बंदूक रख के मुझे फंसा दिया। तू हमेशा की तरह बाहर निकल जा। नहीं सर जी, हमेशा की तरह आप मुझे माफ कर दीजिए सर। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यात्र मिदम त्वमेव त्वमेव देव त्वमेव देव। चट्टी सस्ती पहनते पीछे मुड़। सर हाउ आर यू मिस्टर सिंघम, क्या डेवलपमेंट्स हैं? कोस्टल एरिया की टाइटली पूरी तरह सर्वेलेंस कर रहा हूं सर। हम जैसा सोच रहे थे वहां हथियारों की तस्करी नहीं हो रही, कुछ और ही हो रहा है। हमारे ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग गलत लोगों की मदद कर रहे हैं सर। तो कोई और प्लान? डिपार्टमेंट में होने वाली सारी बातें मुझे जानना जरूरी है सर। प्रीवियस मिशन में रविकांत ने मेरी मदद की और SI प्रमोट हुआ था। हरी पांडे और दामोदर की यहाँ पोस्टिंग करने के तो मेरे लिए यूजफुल होगा सर। ठीक है, मैं तुरंत करता हूँ। थैंक यू सर। और बताओ शादी के बाद की लाइफ कैसे चल रही है? नहीं सर, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई? शादी की परमिशन लेने के लिए ही काव्या को लेकर मैं अपने घर गया था सर। नौकरी छोड़ देने की वजह से नाराज होकर पापा ने शादी के लिए इनकार कर दिया, और अब मुझसे बात ही नहीं करते। I'm sorry, Singham. It's okay, sir. Thank you, sir. सर, आप स्कूल के बच्चों को बाया मुड़ पीछे मुड़ कहते हो। बाया मुड़ तो मैं समझ गया, लेकिन पीछे मुड़ क्या होता है? वो भी ना मक्खी है। वो NCC का कमांड होता है। कमांड होता है, रिमांड और डिमांड सुना था, ये कमांड क्यों नहीं सिखा रहे पिंकी लाल? मक्खी, फेर का टाइम हो गया, जल्दी से झंडा फहराने की तैयारी करो। ठीक है सर। किसने मेरे बेटे को मारा? किसने इसे मूर्खा बनाया? क्या बे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, तुम सारे लोग यहाँ गाना गा रहे हो? मैं इसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था ना, या तुम लोगों से पिटवाने के लिए भेजा था? किसने तुम्हें मारा था मुझे बता? ये था या फिर ये था क्या? पीछे पापा। क्या तू उधर जा? तेरी इतनी हिम्मत की तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, उसे मुर्गा बनाया तूने? स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास में जाओ। बाहर निकल जाओ, ये पढ़ाई लिखाई की जगह है, बाहर निकल जाओ। कहा ना मैंने? ए रोड लगी आ रे। हेलो पुलिस स्टेशन। Oh, my God.
प्रकाश चुगान के समय चाहे बिजली ही क्यों न गिर जाए, लेकिन तस से मस नहीं होना चाहिए हमें। इतना भी पता नहीं तुझे? राष्ट्रीय झंडे के सम्मान में 1100 बच्चे और 50 टीचर सावधान खड़े हुए हैं और तू एक आवारा कुत्ते की तरह स्कूल में घुसा। माता पिता गुरु देवता समान होते हैं, ऐसे गुरु पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? किस देश के इंसान हो तुम लोग? दारू पीने का चलन इतना हो गया है कि पार्टी के झंडे और राष्ट्रीय झंडे में तुम लोगों को फर्क नजर नहीं आता। आज गुरु से मार ना खाने वाला कल को क्रिमिनल बनकर पुलिस से मार खाएगा। आज स्कूल में मुर्गा ना बनने वाला कल को जेल में दूसरों के सामने मुर्गा बनेगा। मासूम बच्चों के दिल में भय क्यों पैदा करते हो? आदर्श बाप बनकर दिखाना। फिल्मों की तरह फाइट सीन खत्म होती पुलिस आ गई। स्कूल में आकर झगड़ा करते हो? उठ बैठ, गाड़ी में बैठ। अरे ये तो बता, इतनी बुरी तरीके से इसे किसने मारा है? मैंने। अरे तुम स्कूल मास्टर हो या कुश्ती के मास्टर? इतने बुरी तरीके से मारा? देखिए, उन्होंने पहले यहाँ स्कूल टीचर को मारने की कोशिश की। वो सब थाने चलकर बताना। मैं एक एनसीसी मास्टर हूँ, मुझे अरेस्ट करने के लिए मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर चाहिए या फिर एनसीसी बटालियन का कमांडेंट चीफ ऑफिसर। तुम चाहो एनसीसी हो या बीएससी, वो सब मैं नहीं जानता। उन्होंने तुमसे झगड़ा किया तो गाड़ी में बैठा दिया, तुमने उन्हें मारा है तो तुम भी गाड़ी में बैठा। ए आंख की अंधी, तूने ही पुलिस को फोन करके बुलाया ना? अच्छा होता अगर उस दिन टीसी कटवाकर तुझे बाहर कर दिया होता। उन्होंने तुझ पर दया दिखाई, उसी बात का बदला लिया क्या? नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ। अरे तूने जानबूझकर किया है, एक बार सर को बाहर आने दे, तेरे मुंह पे बाल्टी मारकर भरतनाट्यम करवाऊंगा। रुक अभी आ। तुमने ही पुलिस को फोन किया था? सॉरी सर। स्कूल में इतने लोग चुपचाप खड़े थे तो तुमने ही फोन क्यों किया? वो क्या है सर, उन गुंडों की वजह से आपको कुछ ना हो जाए इसलिए मैंने सोचा। प्रॉब्लम के समय ऐसे खड़े रहने के बजाय हमें ऐसे इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द इंटेलिजेंस, आई अप्रिशिएट दैट। कीप इट अप सानिया। ठीक है सर। मुझे क्यों सलूट कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, आप हमारे सीनियर हैं सर। अरे छोड़ो, अंदर आओ। यस सर। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे? सर, मेट्रो सिटी में हंगामा करने वाले मेंटर रवि को मैंने मार गिराया, इसलिए इमोशनल होकर आईजी ने मुझे प्रमोशन दे दिया और इस बैड सिटी के सारे गुंडों को तोड़ने के लिए मेरे हाथ में ये डंडा देकर मुझे भेजा है सर। अरे आप अचानक एनसीसी मास्टर कैसे बन गए सर? कॉलेज में पढ़ते वक्त मुझे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिला था। 21 दिन ट्रेनिंग के लिए नागपुर होकर आया और एनसीसी मास्टर बन गया। काव्या मैडम कैसी है सर? इंतजार कर रही है मेरा। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। काव्या। यस डैडी। ड्राइवर मुकेश बड़ी खुशी के साथ हमें सपरिवार अपनी बेटी की शादी में आने के लिए कार्ड देकर गया है, लेकिन मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरी बेटी की शादी कब है मुझे पता ही नहीं। वो सूर्या ने 6 महीने वेट करने के लिए कहा है मुझे। नो वे, हम अभी उसके घर चलते हैं। वो क्यों शादी नहीं करना चाहता मैं सीधे उसके पापा से जाकर पूछता हूँ। आप क्यों? सूर्या को मैं खुद इन्फॉर्म कर दूंगा।
अरे पांडे जी गाड़ी रोको। ठीक है सर। क्या हुआ काव्या? तुम्हारे सामने शादी की बात करना ठीक नहीं होगा। मैं और तुम्हारी माँ बात करके आएंगे, तुम दोनों घर जाओ। वहाँ की सारी हलचल लाइव वीडियो पर देखनी है। ओके। ओके दीदी। ये लीजिए। नो थैंक्स। मेरे और मेरे परिवार का सम्मान करके रिश्ते की बात करने आए हो? क्या बोलूं को समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों लड़कियां भी ना जब से आई हैं लैपटॉप लेके बैठी हैं। दादी ये लैपटॉप है। मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए इसी वजह से मैं अचानक चला आया। क्या बच्चों फिल्म देख रहे हो? जी दादाजी। दादाजी भाई क्या बात है, सारे लोग खामोश बैठे हैं। ये बताइए आप अपने किराने की दुकान से सामान साइकिल से सप्लाई करवाते हैं या फिर वैन से सप्लाई करवाते हैं? रिश्ते की बात करने आई हो कि सामान खरीदने आई हो? हैं? वो सभी शांत बैठे हैं ना इसलिए फिलअप करने के लिए। दीदी जी जो आइडली क्यों खड़े हैं? कुछ बोलने के लिए बोलो ना। वहाँ तुम क्या कर रहे हो, कुछ बोलो तो सही। मैंने सब कुछ बोल दिया है। पता नहीं मामला आगे बढ़ नहीं रहा है। देखो तुम, डोंट मेक मी फूल। सूर्या तुम तो वहाँ दादी के बाजू में ही खड़े हो। मैं देख रही हूँ तुम्हें। कैसे कहाँ से? माँ वहाँ से लाइव टेलीकास्ट कर रही है। माँ मोबाइल सर लाइव टेलीकास्ट करा रही हैं, आप इसे बंद करवाइए। ये लीजिए। आई एम लिटिल बिजी, मैं बाद में लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं ले लीजिए। बस मेरा बेटा अगर पुलिस की नौकरी में ही होता तो इस रिश्ते को हंसी खुशी स्वीकार कर लेता मैं, लेकिन अभी उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। इसमें क्या है, इंडिया साइकिल्स की तरह इंडिया ट्यूब्स के नाम से मुंबई में एक कंपनी खोलकर दमाजी को वहां बैठा देंगे, 100 लोगों को और नौकरी मिल जाएगी। ऐसी ही बातों से मैं डरता था। अगर वो मेरी बात ना मानने वाला बेटा होता तो ठीक था, इसे मेरा ही बेटा रहने दो। मैं समझा नहीं। आप लोग यहां तक आए बहुत धन्यवाद।